Assalamu alaikum everybody, and welcome back to the other video, another video, and then another video. So today's video is a bit different from my other videos. Today we are going to do an experiment and I hope you will enjoy. Pata kya raat ko aksar mera dimag kaam kar raha hota hai aur din mein main bada ajeeb sa hua hota hu, to main koshish karta hu ki videos raat mein banau. मेरा मूड अच्छा होता है, तो जब आपका अच्छा मूड होता है तभी आप वीडियोस बनाओ ताकि आप बेहतर तरीके से बात कर पाओ और इंटरैक्ट कर पाओ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, टुडेज वीडियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट और आपसे बहुत कुछ सीखोगे. व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे इज, आज हम करेंगे एक प्रोडक्ट शूट. लेकिन प्रोडक्ट सेम है और उसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे और हम देखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट लाइटिंग का सेम प्रोडक्ट पे सेम जगह पे क्या फर्क पड़ता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय, सो बेसिकली आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट एज प्रॉप, जिसको हम आज शूट करेंगे. वैसे तो मैं इसको काफ़ी दफ़ा शूट कर चुका हूँ और आप देख भी चुके होंगे. इफ़ यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, if you're not then please do follow me. But today we are going to shoot this beautiful scooter today, aur dekhte hain ki hame outcome kya milta hai aur different cheezon ka effect kya padta hai. So let's get started with this specific cutie. Okay, sorry, I forgot to tell you ke main ye camera use kar raha hu for my pictures. आप दिमाग में ये बिल्कुल नहीं सोचना कि इस कैमरे की वजह से अच्छी तस्वीरें आएंगी. ये आएंगी सिर्फ आपके स्किल से, आपके माइंड से और आपकी यू नो विजन से, आपकी सोच से. खैर, आई एम यूजिंग फॉर नाउ फॉर दिस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट आई एम यूजिंग दिस कैमरा. दिस इज़ कैनन EOS R6 विद 85mm 1.2 RF. Just for the sake of information, I'm telling you. Just for the sake of information. Direct up shoot pe milte hain. For a start, मैंने पहले shot लिया है स्कूटी का without any light, basic shot. अगर कोई नया बंदा फोटोग्राफी सीख रहा होगा तो वो यही खींचेगा. वो कोई लाइट को माइंड में नहीं रखेगा, वो किसी चीज़ को माइंड में नहीं रखेगा, बस वो ये सोचेगा मेरे पास कैमरा है एंड आई विल टेक द पिक्चर. तो सबसे पहले शॉट मैंने लिया है ये, जो कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं. ये लाइट आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में. तो अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि बेसिक शॉट के बाद मैंने ये लाइट ऑन की है. इट्स अ कॉन्टीन्यूस लाइट, ये फ्लैश लाइट नहीं है, ये स्ट्रोब लाइट नहीं है, इट्स अ कॉन्टीन्यूस लाइट. तो ये लाइट ऑन करके मैंने पिक्चर लेके देखी है, आपकी स्क्रीन्स पर मौजूद है ऑलरेडी. नेक्स्ट मैंने क्या किया है, मैंने ये लाइट, दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्टीन्यूस लाइट, ये मैंने रखी है बैकग्राउंड में. एक लाइट ऑलरेडी ऑन थी, एक और ऑन की है और फिर देखा है कि रिजल्ट क्या आता है. इट्स ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन्स. तो नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि आई टुक अ लैम्प, ये कि एक यू नो बैटरी ऑपरेटेड लैम्प है, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ माइनर बुकेज और थोड़ा सा स्प्रे किया है वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड करने के लिए एंड सेम लाइटिंग. अब हम देखते हैं कि पिक्चर किस डायरेक्शन में जा रही है. अब हमने ये किया है कि लाइट को प्रोडक्ट के टॉप पे कर दिया है, थोड़ी सी डिफरेंट लाइटिंग हो जाएगी इस तरह से. तो अब देखते हैं क्या होता है. अबे यार, एसी में भी इतनी गर्मी, अल्लाह माफ़ कर. अब हमने क्या किया है कि हमने टेबल टॉप चेंज किया है, लाइक एक मैंने थोड़ा सा और एलिमेंट ऐड किया है. एक यहाँ पे लाइट रखी है इस जगह पे, एक वो लाइट ऐड की है और एक ये लाइट रखी हुई है और फिर हमने पिक्चर लिया. अब देखते हैं कि क्या आउटकम निकलता है. इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि जो यहाँ पे लाइट पड़ी थी वो मैंने बैक पे रख दी और थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड किए हैं. तो देखते हैं कि क्या चीज़ निकलती है.
तो ये फिलहाल आज का एक्सपेरिमेंट है, ज़्यादा लाइटिंग ऐड नहीं कर सका क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास इतनी लाइटिंग पड़ी हुई है बाकी गाड़ी में और इधर उधर है, तो माजरत।